पास तुम हो। एक्सक्यूज मी, चलो दानिश घर चले, बैग उठाओ, चलो रूमी। बताओ तो सही, हुआ क्या है? घर पहुंचने तक कुछ ना पूछना प्लीज। दानिश भाई, आप महवेश कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, कल शादी पे आएंगे ना। रुको महवेश, जिस बात पे तुम्हें शर्म आनी चाहिए उस बात पे गुस्सा दिखा रही हूँ मुझे। क्या बेशर्मी की है मैंने? स्टॉप इट महवेश, तुम जानती हो तुमने क्या किया। तुम भी तो वही कर रहे थे, अनुषा के कमर में हाथ डाल के नाच नहीं रहे थे। अनुषा मेरी बहनों की तरह, तो वो क्या मेरा बॉयफ्रेंड था? स्टॉप इट महवेश, खामोश। मैं जानता हूं मुरव्वत दिखाने के लिए तुमने ऐसा किया होगा, मगर थी तो गलती ना। क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बड़ी नेचुरल सी बात है, कोई मेरी बीवी की कमर में हाथ डालेगा तो मैं तड़प के मर नहीं जाऊंगा। ये हाथ, ये बाहें, ये कमर, ये सब मेरा है। मैं जानता हूं पजेसिव हूं, बहुत पजेसिव हूं, मगर ये प्यार पजेशन के बगैर प्यार होता है क्या? जो भी है, तुम्हें वहां से नहीं आना चाहिए था। मुझे उस वक्त यही ठीक लग रहा था महवेश, मुझे लगा जैसे मैं तुम्हें लेकर भेड़ियों के नरगे में आ गया। आई एम सॉरी महवेश, मैंने अनुषा के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन सच तो यह है कि मेरे साथ भी अच्छा नहीं हुआ। मैं वहां एंजॉय करने गया था और डर कर वापस आ गया हूं। डर तो मैं गई हूं दानिश, और दुख इस बात का है कि मैं तुमसे डर गई हूं। दिस इज सो अनफेयर, तुम अपनी गलती पे शर्मिंदा होने के बजाय कह रही हो कि तुम मुझसे डर गई हो। दानिश प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे समझने दो कि ये सब कुछ हुआ क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा। मैंने भी तो एक डरावना ख्वाब देखा, मैं भी तो डर गया हूं महवेश। पहली बार मुझे लगा कि तुम इतनी ताकतवर नहीं हो, मुरव्वत में एक औरत की हुर्मत को भूल जाती हो। एक बार बैठ के सोचो तो सही, प्यार में ऐसा कौन सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे। तुम्हें तो बस यही सोचना चाहिए कि मैं क्या सोचूं। और क्या क्या देगा वो? कौन? मेरा दोस्त शेवार। और कौन? और क्या देगा, अच्छी जॉब दे दी, आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, ड्राइवर मिल गया। और वो नेकलेस, वो तो तुम भूल ही गई, वो भी तो दिया था ना उसे। हाँ वो भी दिया था। बस बस मतलब? औरत पर इतनी मेहरबानियां खुदा करे तो अच्छा लगता, कोई दूसरा मर्द करे तो अच्छा नहीं लगता। क्या क्या कह रहे हो तुम? बुरा लग रहा था। घर जाकर मारोगे मुझे? क्यों? मैं इस्लामाबाद गई थी। ऑफिस के काम से गई थी ना? हाँ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है?
तुम्हें बताया नहीं था। माय फॉल्ट, मेरी बातों ने डरा दिया तुम्हें। मैं थोड़ा पजेसिव हूं ना, इसलिए गलत सलत वो बातें कह जाता हूं जो कहनी नहीं चाहिए, तो जाहिर है लगेगा डर। आदमी डरता है तो बोलता है झूठ। बीवी तो 100% बोलती है। घर जाके सॉरी बोल लूंगा तुम्हें। और प्लीज तुम भी डरना मत, इस्लामाबाद भी जाना हो तो बोल के जाना, नो प्रॉब्लम। देखो दानिश, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, नहीं महवेश ऐसा मत कहो। गुनाह किया है तुमने, मैंने उसको गुनाह कहा नहीं। Let's forget it. पागल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तो रह सकती हूँ। और मैं रहना चाहती हूँ। I'm fed up of this relationship. अच्छा, आपको क्या लगता है लड़कियां बेवफाई करती हैं? करती हैं, सैकड़ों मिसाल है। अच्छा, मैं समझता था सिर्फ मर्द बेवफा होते, मगर मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, लड़की जब बेवफा होती है पूरी तरह होती है। नहीं समझे? मतलब वो तो आंखें ही फेर लेती है। कभी कभी मुझे लगता है कि वो सुबह उठकर मेरा नाम याद करती होगी, कहीं मुंह से किसी और का नाम ना निकल जाए। आप मुस्कुराइए ना, मैं आपके नाम की बात कर रहा हूं। देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं आप, लेकिन यहां भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। उस 2% की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। फकत बस वो कोई प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से वो इस तरह बिहेव कर रहा है। आप उसे एक चांस दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर उसने इंप्रूव ना किया तो मैं उसे खुद यहां से ले जाऊं। तो ठीक है, आप उनकी मदर को बोले वो आए और कमिटमेंट दे दे, मैं चांस दे देती हूँ। कहां से लाऊं उसकी माँ? डिवोर्स ले लिया उसने, मुल्क से बाहर चली गई। क्या लेंगी आप कमिटमेंट उससे? आई एम सॉरी, वो क्या है कि मैं अपने बेटे के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। बेटा है वो मेरा। देखिए, मैं जानता हूं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बस माँ की जुदाई में तड़प गया तो वो इसलिए वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। आज मैं उससे मिलूंगा, उससे बात करूंगा, और अगर उसने प्रॉमिस कर लिया तो देखना वो ही'ल बी फाइन। पता है मेरा दुख तुम्हारे दुख से ज्यादा है। अगर मां छोड़ के भी चले जाए तो मां ही रहती है, बीवी छोड़ के चली जाए तो बीवी नहीं रहती। फिर भी मैं रोज काम पे जाता हूं, ठीक से काम करता हूं, आकर खाना भी पकाता हूं। और तुम क्या हो, बुजदिल? जरा सी चोट क्या पांची हार के बैठ गए? ये भी नहीं सोचा कि पापा को स्कूल वाले बुलाएंगे तो पापा की इंसल्ट हो जाएगी। गुड मॉर्निंग।
मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा हूं। तो फिर क्या सोचा तुमने? आ रहा हूं ना आपके पास। क्यों? मैंने सोचा एक ही बार बैठ के डिसाइड कर लेते हैं ताकि बाद में कभी प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है, आ जाओ। बस मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ये क्या हो रहा है? ये आप क्या कर रहे हैं मेरे कमरे में? आउट देयर। लोग बैठे रहो, बैठो। अगर कोई भी यहां से हिला तो मरेगा मेरे हाथ से। जी तो शहवार अहमद, चेयरमैन शहवार केमिकल्स, हमने कोई बात करनी थी। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने किसके साथ पंगा लिया है। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तुझ जैसे टटपुंजिये देखा करेंगे। ये डायलॉग मेरा है, आज इसे मैं बोलूंगा। क्या देख रहे हो तुम लोग? पुलिस को बुलाओ। क्या कर रही? पुलिस इंसिडेंट के बाद आती है। लेट मी कंप्लीट इंसिडेंट। तो उससे पहले तू बोल, बोल बोल जो तेरे दिल में है। बता इनको जो पहले फोन पे कहा था, बोल। दानिश साहब मेरा गिरेबान छोड़िए, आराम से बात कीजिए मुझसे। बोल बोल ना। दो दिन के बाद दोनों की मुलाकात ना हुई तो तेरे वकील क्या करेंगे मेरे साथ? नंगा करेंगे मुझे? तो देख, मैं सूट पहन कर आया हूं ताकि नंगा होने से पहले अच्छे कपड़े तो पहन सकूं। डोंट डिस्टर्ब मी, मीटिंग चल रही है अंदर। क्या कर रहे हैं ये? आदेश क्या? आदेश। दो मिनट बैठ कर सोच। तू मुझे नंगा करेगा तो तुझे जरूरत होगी अपने वकीलों की या गुंडों की। फोन करके बुलाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन मैं तुझे नंगा करूंगा ना तो सिर्फ दो मिनट लगेंगे। देख, जो आज होती है ना तेरे पास मेरी एक्सपर्ट, वो बिक गई। तूने खरीद लिया उसको, तो मैंने कहा चलो जो बिक जाए वो खरीदार की होगी। लेकिन अब तूने बात छेड़ दी है मेरे बेटे की, और मेरा बेटा मेरा बचा हुआ गुरूर है। तूने कहा कि तेरे वकील मेरे चीथड़े उड़ा देंगे, ये गलत किया था। तूने मुझे याद दिलाया कि मैं अपने बेटे की ताकत हूं, कमजोरी नहीं। तो याद रखना शहबाज अहमद, आज के बाद अगर तुमने मुझे धमकी दी या मेरे और मेरे बेटे के बीच में आके दलाली की कोशिश की तो तुम्हें तुम्हारी टाई से पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊं और सबके सामने सचमुच नंगा कर दूं। और तुम लोग को भी इस इंसिडेंट का बहुत फायदा होगा। अब ये तुम्हें फायर नहीं कर सकता। अगर तुमसे ऊंची आवाज में बात करें तो बाहर जाके सबको बता देना कि आज इसके साथ क्या हुआ था। समझे? हैव अ नाइस डे शहवार अहमद। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? आज फिर से लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। दिल डूब रहा है मेरा। तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं यार, दिल इस तरह नहीं डूब रहा कि डूब जाएगा। आखिरी चोट लगी तो फिर से सहम गया है बस। आज शादी है उसकी, संडे को मिलते हैं। आज तो फिर अच्छा दिन था दानिश, चढ़ने की सारी रस्में पूरी हो गई। आप तो कहते थे कोई सॉरी बोले तो झगड़ा खत्म। आपको भी तो फोन किया था। हाँ किया था। सॉरी नहीं बोला आपको? कहा था। फिर क्या?
सॉरी बोल दिया तो झगड़ा खत्म। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब मैं तुम्हें बैठ के बताऊंगा कि मेरे और उसके बीच कोई झगड़ा नहीं था, हमें जोड़ के बनाया हुआ एक रिश्ता था, जिसे तोड़ के जाने में गुनाह होता है। गलती हो जाए तो बोलते हैं सॉरी, गुनाह हो जाए तो सॉरी बोलने से माफी नहीं मिलती। तुमको कभी भी माफी नहीं मिलेगी। जिस दिन मैं उसे भूल जाऊं तो उस दिन माफी मिल जाएगी उसे। मैं इनको भूल जाऊं पापा, प्लीज। क्या है ये, मुझे माँ की तरह क्यों देख रही है? बैठो बैठो। अब चुप करके मेरी बात सुनो। मैंने चंद घंटे गुजारे हैं उसके साथ, तो कुछ तो सीख कर ही आई हूं। नस काट कर मरने में इतनी तकलीफ नहीं होती दानिश, जितनी तकलीफ पछता के जिंदा रहने में होती है। अपने हाथों से जख्म खाए तो जख्म देने वाले का नाम तक बता नहीं सकती हो। एक रात में कई कई बार मरती होगी, और पता है मर कर भी मर क्यों नहीं रही? उसको लगता है कि एक दिन तुम उसका नाम लेके आवाज दोगे, उसको छूकर जिंदा कर दोगे। मुझे पता है मर्दों को ये बात बुरी लगती है, लेकिन एक बार अपनी बीवी की बेवफाई को माफ करने की हिम्मत तो करो। कोई तो हो जो औरत को भी माफ कर देता हो। ऐसा मैं भी सोचता हूं, चाहता हूं कि उसको माफ कर, लेकिन फिर खुदा याद आ जाता है मुझे। मतलब शिर्क तो खुदा भी माफ नहीं करता। हेलो। हाय। कभी सोचा है मेरी तुमसे लड़ाई हो सकती है? हंस क्यों रहे हो, जवाब दो ना। इस तरह के सवाल करोगी तो जवाब नहीं दूंगा। वो कहाँ है? अपने कमरे में, बोला था कि मेरे साथ चलो, लेकिन वो डर गया है तुमसे। अरे वाह, मुझसे डर भी जाता है वो? तुमसे तो अब मुझे भी डर लगता है, तुम्हारी चुप से डर लगता है। लगता है किसी दिन गुस्से में आकर धुआं बनकर भग से उड़ जाओगे। शट अप, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा प्रॉमिस करो, अगर कुछ कहूंगी तो इसी तरह सुनकर मुस्कुराते रहोगे। मुस्कुराता रहूंगा। मैं महवेश को हॉस्टल से अपने घर ले आई हूँ। तो ठीक से ख्याल रखना उसका। कहाँ जा रहा है? बाहर। डर रहा हूं कि तुम दोनों बेवफाई को जस्टिफाई ना करने लगो। और याद रखना आयशा, बेवफाई को जस्टिफाई करने के लिए दलील मिल गई तो जानवर भी हम पर हंसा करेंगे। मोहब्बत को किसी के फुटप्रिंट पर लिखकर म्यूजियम में रख देंगे और देखने वालों को बताया करेंगे कि लोग पहले इस तरह की बेवकूफी किया करते थे। भी गया तो कभी नहीं कहेगा कि साथ क्यों रह रहे हो। चलो वो ना भी कहे तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी। तुम हंस रहे हो? तुम छोड़कर जाने की बात कर रही हो ना, इसलिए तुम्हें तो आता है ना छोड़कर जाना। काश तुम फिर ये बात करो और सुनकर मेरी जान निकल जाए। देखो मेरी आंखों में आंसू आ गए और तुम्हारे लिए रोना मुझे अच्छा नहीं लगता।
चाल सीधी है रूठे दिनों की पलट कर कभी फिर वो मुड़ते नहीं है. सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास.